जिस तरह से सलमान सर ने आपका नाम लिया, उसके पहले सलमान सर थोड़ा खेल रहे थे सालिन के साथ, तो क्या क्लिक हुआ जब आपका नाम लिए कि कंफर्म है कि क्या है? नहीं वो मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे वो, आई थिंक वो करते हैं कई बार, बट उन्होंने जब मेरा नाम लिया उसके बाद भी किसी को नहीं लगा था कि मैं जाऊंगा। इवन सौंदर्या भी बहुत वो थी कि नहीं इस बार कोई नहीं जाएगा एंड स्टफ, बट जब बिग बॉस की आवाज़ आई मुझे कि आपके पास कुछ आखिरी क्षण है, जब आप घर वालों से विदा लीजिए और मेन दरवाजे से बाहर आइए, तब एवरीथिंग जस्ट गॉट फ्रीज और मैं सिर्फ फ्रीज और जोन्ड आउट हो चुका था। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, जब तक मैं वैनिटी में पहुंचा तब तक सब कुछ एकदम ब्लैंक ब्लैंक हो गया था मेरे लिए। इसके पहले एक बार और सलमान सर ने आपके साथ खेला था कि आप ही हो रहे हो, जिसमें शालिन आपसे गले मिल रहे थे, सब सलमान सर ने भी बोला, सब लोगों ने बोला कि ये एक फेक रिएक्शन था शालिन का। वैसे जब असली में आप एविक्ट हो रहे थे तो उस समय किसी का फेक रिएक्शन लगा आपको? यार मुझे उस समय अपना ही रिएक्शन देखने का होश नहीं था, तो बाकियों का तो रिएक्शन, क्योंकि शालीन जब वो पहला वाला था तब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि दो दिन पहले आई थिंक करण जौहर ने जो भी बात हुई थी हमारी, वो फेक रियल, तो मुझे लगा था क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट था कि ठीक है जाना है तो चलते हैं यार, तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रिपेयर था इसलिए मैं उठ के चला गया था, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा उस टाइम पे, बट इस टाइम पे थिंग्स वर डिफरेंट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं जब जोन्ड आउट हुआ तो मुझे पता ही नहीं, मतलब मुझे पता नहीं मैं किस किस से गले मिला, किससे मेरी क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या मैंने किसको बोला, आई हैव नो आइडिया। ये मैंने अभी जब टेलीकास्ट देखा तो मुझे पता लगा कि अच्छा मैं इससे भी मिला, मैं उससे भी मिला, मैंने सौंदर्या को गले मिला, लेकिन वो भी चीज़ दिखा दी गई कि मैंने उतनी शिद्दत से गले नहीं मिला, तो वो मेरे लिए बहुत स्टूपिड था यार रिएक्शन घर वालों का। या आपका एक लव एंगल देखने को मिला था सौंदर्य के साथ, काफ़ी लोगों का कहना है ये फेक है, काफ़ी लोगों का कहना है ये रियल है, आप क्या मानते हैं? यार मैं कुछ फेक नहीं करता, आई थिंक मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि 50 दिन 150 कैमरा के सामने एक फेक चीज़ करूँगा, इतना बड़ा एक्टर हूँ नहीं मैं, तो मैंने जो किया मैंने दिल से किया आई थिंक, बाकी लोगों का सोचना अपना तरीका है। आई थिंक हमारे लिए ज़रूरी यही है कि हमारे जो आसपास हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे दोस्तों को चीज़ें पता होनी चाहिए। आई थिंक बाकी हमारी जो चीज़ों को वो बहुत जल्दी जज कर लिया गया, अगर ये 5वें 6वें वीक में किया जाता तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट 3रे वीक में ही वो जजमेंट बना दी गई चीज़ों को लेके, तो आई थिंक इट वॉज टू अर्ली टू जज। और तब से 3 हफ्ते तक मैं यही पॉइंट प्रूव करे जा रहा था और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, ये दो लोगों की पर्सनल बात है, और एक बार उन्होंने बोल दिया कि सर है रियल है चीज़ें हैं, 2 बार 3 बार बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं उसी चीज़ों के ऊपर प्रेशर हो रहा था, उन्हीं चीज़ों के ऊपर मुद्दे बन रहे थे, तो आई डोंट नो। या आपने घर में 7 हफ्ते बिताए, इसी के साथ साथ एक और लव एंगल शालिन और टीना का दिख रहा है, तो ये दर्शक को आप बता सकते हैं कि कितना जेन्युइन वो रिश्ता है? यार लव एंगल उसे नाम देना तो बहुत ख़राब है, बिकॉज कोई लव एंगल नहीं है वो, इट्स ऑल ऑन फॉर कैमरा, वो तो पहले दिन से सब घर वालों को भी पता है, जनता को भी दिख रहा है वो बाहर कि द वे शालिन बिहेव्स, द वे टीना बिहेव्स, आई थिंक वो दोस्ती है, आई थिंक दोस्त हैं वो, अच्छे दोस्त हैं, बन गए होंगे अच्छे दोस्त अब तक, बट लव एंगल नहीं है वो, किसी भी एंगल से लव एंगल नहीं है कि आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, आपकी चीज़ें कुछ और पोट्री हो रही हैं, आपकी हरकतें कुछ और दिख रही हैं, मेरे हिसाब से वो जेन्युइन नहीं है, इट्स ऑल फेक, इट्स फॉर द कैमरा, इट्स फॉर द पीआर स्ट्रेटजीज, यही मेरा मानना। आपने ये सोचा था आप इतनी जल्दी एक्ट हो जाओगे? मैंने नहीं सोचा था यार, किसी ने भी नहीं सोचा था, तभी आई थिंक आई एम स्टिल ट्राई टू अब्सॉर्ब दैट थिंग, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जाऊंगा या इतनी जल्दी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बचा था, बहुत कुछ करना था, 7 हफ्ते ही हुए थे, 50 दिन हुए थे, तो बहुत 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 चीज़ें बची थी आई थिंक, और वो कहीं ना कहीं मुझे क्लोजर नहीं मिला, कुछ मुद्दे अधूरे रह गए अंदर, आई थिंक जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक वो अंदर वो हल चल रहेगी। आपके हिसाब से कौन था जो आपसे पहले होना चाहता था या मींस हो सकता था? यार बहुत लोग हैं अंदर, आई थिंक अंकित हैं, सुम्बुल हैं, एमसी स्टैन हैं, इवन फॉर दैट नेम से एक निमृत है,
क्योंकि वो क्या ही कर रही हैं अंदर, वो सिर्फ इधर उधर सहारा लेके बचे जा रही हैं हर वीक। उन्होंने एक ग्रुप पकड़ लिया उसी के सहारे से, उनको पहले वीक से बोले जा रहा है, कैप्टनसी के बाद से उनको बोले जा रहा है कि उनका ओरिजिनल स्टैंड कहाँ है कहाँ है। वो अभी भी वही हैं, अभी भी लास्ट वीकेंड के बार पे उनको बोला भी गया, 2-3 दिन एपिसोड देखे होंगे आप लोगों ने, उसके बाद भी वो वही है। तो आई डोंट नो, आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड जो दे डोंट डिजर्व टू बी इन दी हाउस एंड दे आर स्टिल देयर। आई लाइक पीपल लाइक प्रियंका, अर्चना, शिव, एटलीस्ट वो स्टैंड तो ले रहे हैं अपनी चीज़ों का, एटलीस्ट वो सामने से खेल रहे हैं, अगर फेवरेटिज्म चल रहा है तो वो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का के लिए आई थिंक बिग बॉस बना है यार, कि अगर भीड़ का पार्ट तो आप बाहर भी बन जाते हैं यार, बिग बॉस में जुड़ने का मतलब ही ये है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा सकें, अपना स्टैंड दिखा सकें। अगर आप वो भी नहीं दिखा पा रहे जस्ट बिकॉज गेम में रहने के लिए कि आप फेमस हो जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे और वटेवर, उसके लिए अगर आप अपने आप को ही भूल जाएं तो वो भी क्या गेम करोगे आप। लोगों का मानना ये भी है कि आपका इवेक्ट होने का एक ये रीजन था कि आप प्रियंका से ज्यादा दोस्ती कर रहे थे या प्रियंका के ग्रुप में गए, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक प्रियंका का कोई ग्रुप नहीं है, प्रियंका का ग्रुप सिर्फ प्रियंका और अंकित है, और मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बना शुरू से, और ना ही मैं ग्रुप में, मैं भीड़ का पार्ट भी नहीं बनना चाहता, ना ही मैं कभी बनाऊँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो बिग बॉस के घर में हो चाहे बाहर हो। आई थिंक मेरे को जो लोग अच्छे लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, आई जस्ट टॉक टू देम। उसमें ग्रुप का पार्ट, भीड़ का पार्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट। अगर मुझे प्रियंका के साथ मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं, मेरी आई थिंक सेकंड फाइट घर में प्रियंका के साथ ही हुई थी, जब उन्होंने मान्या का ज़बरदस्ती स्टैंड लिया था, तो बट मुझे वो लड़की पसंद है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपनी स्टैंड ले सकती है, उसमें वो दम है अपने मुद्दों को सामने रखने का, वो किसी को प्लीज़ करने के लिए बिग बॉस में नहीं आई, इसलिए मुझे वो कहीं ना कहीं पसंद है लड़की, और आई रियली अप्रिशिएट हर एज अ इंडिविजुअल। लेकिन ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं कि वो अंकित के बारे में सोचती हैं ज़्यादा, और ताकि उनको समझाया भी गया, उनको बताई भी बहुत चीज़ें गई हैं, उसके बावजूद भी अंकित को बचाने के लिए अगर आप अपनी गेम ख़राब कर रही हैं, अपनी चीज़ें ख़राब कर रही हैं, तो वो उनका पर्सनल कॉल है। बट मेरा यही है कि मुझे जो लोग पसंद हैं या जिनसे मुझे बात करना पसंद है, आई थिंक मेरे लिए आई विल जस्ट गो एंड टॉक टू देम। मेरे मेरी उसमें ईगो नहीं कम होती, और मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में अगर बस चले तो सब अलग अलग एक कोना पकड़ लें और सब अपनी अपनी चीज़ों में बैठ जाएं अपने। उसके लिए हम उस घर में नहीं है ऑफ कोर्स, वहाँ 2 दिन बाद, 2 दिन में दोस्ती होती है और 2 दिन में दुश्मनी होती है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और मैं प्रियंका के साथ किसी ग्रुप में नहीं था, और आखिरी में जो उन्होंने मुझे डिच भी किया, ऑफ कोर्स आई रिएक्टेड ऑन दैट, मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर शायद ये अर्चना होती तो मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट प्रियंका ने ऐसा किया, और मैंने उनको ये भी बोला कि आप मुझे सामने से बोलती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आपने वो नहीं किया, इसलिए यू नो आई गॉट हर्ट। शालिन और आपकी बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे, काफी नोकझोंक देखी हम लोगों हम्म, ने, और आपकी दोस्ती भी हुई और सौंदर्य को लेके उन आपसे नोकझोंक भी हुई, उनके बारे में कुछ बताओ। शालिन से मेरी दोस्ती थी शुरू से यार, वी हैड अ गुड बॉन्ड, बट धीरे धीरे जब वो अपने दोस्त की चीज़ों को ही ख़राब करने लगे, चाहे वो सौंदर्य हो चाहे वो बाकी भी कोई चीज़ हो, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ कि मैं कैमरे के लिए या फेक रहने के लिए शालिन से दोस्ती रखूँगा, और मुझे ना दोस्तों की कमी है ज़िंदगी में, और ना ही मुझे गेम जीतने के लिए कोई दोस्त बनाने हैं, ना ही मेरा ये थॉट प्रोसेस था जब मैं अंदर भी गया था। आई वॉज़ वेरी क्लियर विद माई थॉट प्रोसेस, एंड मैं कुछ प्लान करके नहीं गया था कि मैं किससे दोस्ती करूँगा किससे नहीं करूँगा। उनसे एक बॉन्डिंग हुई, एक अच्छी हुई, उसके बाद जब उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे, सो आई टुक अ बैक स्टेप, एंड वहाँ से मैंने चीज़ें बोल दिया उनको, यार मैं फेक हूँ यार, मत रहो मेरे साथ। किसी भी सौंदर्य को एक वीडियो भी क्लिप दिखाई गई थी जिसमें आप लोग बात कर रहे थे, मीन्स आप सुन रहे थे, शालिन बात कर रहे थे, उसका रिएक्शन आया था सौंदर्य से, तो रिएक्शन करना कितना सही था आपके लिए? आई थिंक वो थोड़ा ओवर कर दिया था सौंदर्या ने, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स वो हर्ट हुई, ऑफ कोर्स समझ आती है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता था कि उससे पहले मेरी जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन सुन लेती वो, जो उन्होंने बाद में सुनी, उसके बाद वो काम डाउन हुई। अगर वो पहले सुन लेती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ही ना खड़ा होता वो, शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं पहले उन्हें सुनता समझता और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता, बट आई थिंक अगेन इट्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन। उनका जो माइंडसेट है वो उनके लिए है, और जो मेरा माइंडसेट है वो मेरे लिए है, आई थिंक दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। बट हाँ, उनका रिएक्शन मुझे थोड़ा सा ओवर लगा था, इसलिए मैं उस समय भी चुप था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू काम अ डाउन, मैं भी चिल्ला सकता था, मैं भी जवाब दे सकता था बहुत चीज़ों के, बट ठीक है, उनको रिएक्ट करना था दैट वे, तो आई वॉज जस्ट क्वाइट फॉर सम टाइम। या
घर जैसे दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और साजिद सर की बात करें तो वो काफ़ी बायस नज़र आ रहे हैं, आप लोग को टीम को सपोर्ट ना करते हुए अपने प्लेयर्स को, अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, इसमें क्या आप क्या सोचते हो कि ये बायस है कि? यार मैं कहता हूँ उसमें गलत क्या है, अगर आप रियल लाइफ में भी है, अगर आपके दोस्त हैं और आप उनको सपोर्ट, ऑफ कोर्स आप सबसे पहले उन्हीं को सपोर्ट करोगे ना यार, आप बाहर वालों को थोड़ा सपोर्ट करोगे। तो उस घर में अगर उनके दोस्त हैं, शिव हैं, अब्दू हैं, स्टैन हैं, तो निमृत है, तो ऑफ कोर्स वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और करना भी चाहिए एटलीस्ट। कहीं तो लॉयल्टी दिख रही है उनकी, और वो सामने से ओपन में बोलते हैं वो चीज़ें कि यू नो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट्स माई कॉल। तो आई थिंक अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ वर्क कर रही है कि वो आज तक नॉमिनेशन में नहीं आए, एवरीवन इज़ यू नो इनसाइड द हाउस लविंग हिम, यू नो प्रेजिंग हिम फॉर हिज थिंग्स, और उसके बावजूद भी उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वो खेल रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, प्रियंका मुझे मिली थी नॉमिनेशन के टाइम पे, लेकिन प्रियंका बदल गई उस टाइम पे। दिस इज़ द प्रॉब्लम कि आप बोलते हो कि हम नहीं बदलेंगे, लेकिन आप बदलते हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेवरेट्स एंड नॉन फेवरेट्स। अगर वो अपनी स्ट्रांग होके गेम खेल रहे हैं, अभी भी अगर आप देखो तो शिव प्लेड वेरी स्मार्टली, उसने निमृत और टीना को चुना जो दो लोगों को बचाने की जब बारी आई फेवरेट्स में डालने की, उसने साजिद जी को नहीं चुना, लेकिन साजिद जी को उसने नॉमिनेशन में बचा लिया। तो आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम यार, और ये आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे तो इसलिए उनको तकलीफ आ रही है। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था शालिन और स्टैन के बीच में, उसमें आपने उस सिलसिले में आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने शिव को समझाया, वो एक कुर्सी उठाई थी उन्होंने, यार उसके पीछे कोई कहानी नहीं है, उसके पीछे वही कंटिन्यूएशन में फाइट चल रहा था, और शिव ने आके शालिन को जब मुंह से पकड़ा था और उसके बाद शालिन को वहां से लेके गया गया वो दरवाजे तक गया, तो शिव और शालिन के बीच में हीटअप कन्वर्सेशन हुआ और थोड़ा सा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हुआ, और शिव चेयर लेके गया था। ऑफकोर्स मुझे पता था वो मारेगा नहीं, इतना दिमाग है, इतना सेंसिबल है वो आदमी, बट मैंने उसे वही पूछा कि तूने क्यों किया, बोला ब्रो मेरे को वो परेशान कर रहा था और मैंने सिर्फ डराने के लिए मैं वो चेयर लेके गया था या जो भी था। तो वो क्लिप नहीं दिखाई, वो मुझे बाहर आके पता लगी, वो क्लिप नहीं दिखाई, बट दैट वॉज हैपन। एंड आई थिंक शिव ने रिएक्ट किया उस टाइम पे, ऑफकोर्स दोस्त के लिए वो खड़ा हुआ, अपने स्टैंड के लिए वो खड़ा हुआ, बट ठीक है यार, किसने नहीं डराया, साजिद खान ने बॉटल्स तोड़ी थी, ठीक है, या उन्होंने दरवाजे पे लात मार के दरवाज़ा खोला था गौरी के टाइम पे, तो सब कुछ जस्टिफाइबल है ना यार, सब कुछ तो उस घर में जस्टिफाइबल है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ अगर वो शिव मारता, टच करता चेयर, चीज़ें करता, तब इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट शिव ने जो किया डराने के लिए किया, डराने के लिए तो लोग बहुत कुछ करते हैं अंदर, लोग तो एक दूसरे का एड्रेस मांग रहे हैं, लोग एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, मुंह तोड़ने की बातें हो रही हैं, वो सब हो रहा है, तो वो सब अलाउड है, तो ये भी अलाउड होना चाहिए। सिंबल के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका क्या गेम है प्रॉपर, आप अंदर से देख के आए हो, ये काजल टीना राहुल वाला क्या सीन? सिंबल जो कर रही है वही उसका गेम है, दिस इज हर गेम, शी इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, और लोगों को लग रहा है कि वो बेचारी समझ नहीं पा रही, वो ये नहीं कर पा रही, वो बेचारी बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो कर रही है, वो जैसा कर रही है, वो बहुत बढ़िया कर रही है। बिल्ली को लगता है कि आँख बंद कर लो तो बाहर अंधेरा है, वो वही प्ले कर रही है, एंड आई थिंक इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार। आप सुम्बुल को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हो, वो 8 हफ्ते घर के अंदर है और वो एक ही मुद्दे पर अटकी हुई है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे घर में नहीं रहना, घर में नहीं रहना। ऑफ कोर्स शी इज़ गेटिंग अ सिंपथी फ्रॉम पीपल, ऑफ कोर्स लोगों को उस पर तरस आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उसको हर बार वो किया जा रहा है, बट मेरा सिर्फ इतना है कि आई थिंक शालिन को भी कहीं ना कहीं उसका दोषी मानना चाहिए, क्योंकि शालिन ने उनको उतनी स्पेस दी है इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। अगर शालिन शुरू से ही वो स्पेस ना देते या उसको कंट्रोल में रखते तो आई थिंक चीज़ें इतनी ऊपर होती नहीं। आपके हिसाब से सिंपल एक फेयर प्ले कर रही है, स्मार्ट प्ले कर रही है, बट उनके डैडी के हिसाब से आना, उनको समझाना कि आप गलत जा रही हो, गलत खेल रही हो, ये क्या है? आई थिंक वो बहुत गलत है। मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी फादर को ये हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मेरे फादर हो या किसी के भी फादर हो, किसी के फादर को इतना हक नहीं है कि आप अपने बच्चे को समझाने के लिए आप दूसरे को डाउनग्रेड करेंगे, वो भी नेशनल टीवी पे। आपकी बेटी अगर आपको पता है कि इतनी समझदार है, आपको भरोसा है उस पर, तो फिर आप इतना उनको मत समझाइए, उनको अपनी गेम खेलने दीजिए। 8 हफ्ते वो अंदर हैं,
वो आपके भरोसे अंदर नहीं है ना किसी और के भरोसे अंदर नहीं है, वो अपने दम पे अंदर है। और आई थिंक अगर गलती आप कहते हैं कि आपकी बेटी की नहीं है, तो गलती तो किसी की भी नहीं है फिर, क्योंकि सब माँ बाप के लिए अपने बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन आप दूसरे के बच्चों को नेशनल टीवी पे नहीं सुना सकते। शालीन टीना जैसे भी हो यार, एट द एंड ऑफ द डे किसी के बच्चे हैं वो, और आप किसी को नहीं सुना सकते रिगार्डलेस वट एवर। आप हाँ, आप समझाना किसी को तरीका और किसी को नीचा गिराने में बहुत फ़र्क होता है। तो आई थिंक उन्होंने जो चीज़ें बोली वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ख़राब वे में गई हैं वो चीज़ें। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग उनके फादर से ये सब, बट ठीक है, अब उन्होंने किया। और आई थिंक बिग बॉस को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तभी उन्होंने सुम्बुल को भी बोला कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो क्योंकि बिग बॉस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनके फादर आके ये सब बोलेंगे। तो आई थिंक आप समझाइए अपने बच्चे को, अच्छे से समझाइए अगर आपको ऐसा मौका मिला है, बट दूसरे को नीचे मत गिराइए। आप अगर अपनी बेटी को इतना अच्छे से जानते हैं तो उनको अपना गेम खेलने दीजिए। आई थिंक सो अभी तक का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट आपकी इवेक्ट होने के बाद शालिन का शुगर कोटेड होके सौंदर्य से बात करना, सौंदर्य का शालिन से थोड़ा क्लोज हो जाना, इसमें आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, वो क्लोज लॉस तो नहीं हुई ऑनेस्टली, जितना मैंने भी देखा मुझे तो कहीं क्लोज दिखी नहीं। ऑफकोर्स एक वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश है या फ्रेंडशिप है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। इतना भरोसा है मुझे उस पर, आई ट्रस्ट है, वट एवर शी इज़ डूइंग इट्स फॉर अ गेम। बट दी ओनली थिंग जो मुझे तकलीफ हुई है, जो मुझे बुरा लगा, इज़ वो मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की वैलिडेशन शालिन से ले रही हैं, विच हर्टेड मी अलॉट। बाकी आप जो भी करिए, आप बिग बॉस के घर में यार, आप गेम खेलने आई हैं, आप गेम खेलिए। बट वाई ओनली शालीन, अगर और भी लोग हैं, शिव भी है, स्टैन भी है, साजिद खान भी है, आप किसी और से दोस्ती बनाइए, टीना है, निमृत है, आप बाकियों से दोस्ती बनाइए। बट शालीन, क्योंकि वो वही पीछे उनकी उनका हंसी मजाक कर रहा है, उनकी इमेज को ख़राब कर रहा है वो, तो अगर ये बात उनको जल्दी समझ आ जाएगी तो बहुत बेहतर है उनके लिए, अदरवाइज़ गॉड विल हेल्प। कोई एक पर्सन आफ्टर द बिग बॉस जिसे आप कभी नहीं मिलना चाहते? शालीन बनोट, कोई स्मार्ट प्लेयर जो अभी तक सबसे अच्छा खेल रहा है बिग बॉस में? शिव ठाकरे। किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है? शिव ठाकरे। ये एक उस मुद्दे से आप बोल रहे हैं कि वो बिग बॉस विनर रह चुके मराठी? नहीं, मैं उस मुद्दे से कह नहीं रहा, मैंने उस इंसान को 50 दिन देखा है एंड ही नोज़ द गेम वेरी वेल। ऑफकोर्स उनके पास एक्सपीरियंस है, वो उसका फुल यूज़ कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को राइट वे में यूज़ कर रहे हैं। अभी भी रिसेंट कैप्टनसी के टास्क में मैंने देखा कि उन्होंने अपना महामंत्री बना लिया अर्चना को, क्योंकि उनको पता है कि अर्चना ही सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम देंगी उनको, उन्होंने उन्हीं को बना लिया अपना महामंत्री। दैट्स कॉल्ड अ स्मार्ट मूव। मैंने ये भी सुना कि प्रियंका को उन्होंने नॉमिनेशन से बचा लिया, दैट्स अगेन अ स्मार्ट मूव। और उसकी जगह अंकित आए नॉमिनेशन में, सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव बाय शिव ठाकरे। अगर शायद मैं ये करता तो कहीं ना कहीं मुझे फेक बोला जाता, बट वो शिव ने किया तो ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर पीपल। बट मुझे ऐसा लगता है कि शिव प्लेड इट वेल, आई थिंक एंड ही इज़ अ स्मार्ट प्लेयर। सो वो ऑडियंस जो आपके 7 हफ्तों के जर्नी से काफ़ी खुश है और आपके इवेक्ट होने पे काफ़ी साइड भी है, आपको वापस देखना चाहती है बिग बॉस के घर में, क्या ये पॉसिबल है एज अ वाइल्ड कार्ड? यार मेरे को कोई आइडिया नहीं है, आई थिंक ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर मुझे वाइल्ड कार्ड ऐसा अंदर मैं जाता हूँ वापस, तो बहुत चीज़ें बची हैं, बहुत उधार चुकाने हैं लोगों के, बहुत कर्जे पूरे करने हैं अंदर जाके। तो आई थिंक अगर वैसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑफ कोर्स आई विल गो इनसाइड एंड आई विल प्ले माय गेम। तो लोगों को अच्छा लगेगा। आई थिंक जितना प्यार आपने अभी तक दिया, आई थिंक इतना ही देते रहिए और आगे भी और दीजिए, ताकि हम मिल के लोगों की थोड़ी सच्चाइयाँ बाहर निकाल सकें।